अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्याज फ्राई करने की रेसिपी बता रहे हैं आपको। तो प्याज किस तरह से फ्राई करना है, प्याज ज़्यादा से ज़्यादा भी फ्राई करके आप रख सकते हो। 4-5 महीने तक उसको फ्रिज में रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होती है। तो हमने 2 किलो प्याज ली है यहाँ पर और इसको इस तरह से कट किया है। और एक टिप्स के साथ में बता रहे हम आपको, प्याज जब भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कट करना हो तो प्याज को कट करें 2 हिस्सों में और उसको पानी में डाल दीजिए, तो वो आँख में आंसू नहीं आएंगे, इस तरह से उसका मॉइस्चर पूरा निकल जाएगा। तो हमने 2 किलो प्याज ली है, इस तरह से धोकर हमने इसको कट कर दिया है। ये हमने कुछ आपको बताने के लिए रखी किस तरह से हमने प्याज को कट किया और किस तरह से हमने पानी में रख दिया है। इस तरह से इसको कट कर लेना है, ये साफ भी हो जाएगी धुलकर। आपको जिस शेप में पसंद हो उस शेप में काट सकते हो, हम ऐसे लंबाई में काट रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने लंबाई में कट किया है, ऐसे हमने कट किया है ऐसी। अब हम ऐसे कट करके दिखाते हैं, तो आपको जो पसंद हो उसमें काट सकते हो, ऐसी भी ऐसी भी। देखिए कट कर दिया हमने, बहुत फटाफट हो जाती है। ये देखिए हमने लंबाई में इस तरह से इसको कट किया है, पतला पतला कट कर लेना है। और ये इस तरह से किया है, ये दोनों शेप में हमने प्याज कट करके रख दिए। देखिए इस तरह से भी काट सकते हो और इस तरह से भी काट सकते हो, उसी तरह से हमने प्याज को कट किया है। और टिप्स यही ध्यान में रखें आप, पानी में देखिए सब मॉइस्चर उसका निकल गया है, तो आँख में आंसू बिल्कुल भी नहीं आते। फ्राई करने से पहले ये कट किए प्याज को इस तरह से खोल देना है। देखिए ये हमने खोल कर रख दिया है इस तरह से, सभी पीसेस के इस तरह से खोल देंगे तो बहुत अच्छे से वो फ्राई होगी, एकदम क्रिस्प होगी। देखिए इस तरह से कर लेना है। इस तरह से उसको खोल देना है। अब हम प्याज फ्राई कर लेंगे। देखिए पैन में हमने तेल डाल दिया है, तेल हमारा गरम हो चुका है, एक डाल कर देखेंगे अच्छे से गरम हुआ कि नहीं। एकदम तेल तेज़ गरम होना चाहिए। यह अभी नहीं हुआ है और थोड़ा होने देते हैं इसको। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको निकाल देंगे जो हमने डाल दिया था। अब हम प्याज डाल देंगे बड़े आराम से, थोड़ी थोड़ी करके ही डालेंगे। देखिए थोड़ी डाली है हमने, ज़्यादा डालोगे तो तेल भी ठंडा हो जाएगा और वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी, किधर से कच्ची रहेगी किधर से फ्राई होगी। तो इसके लिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी प्याज फ्राई करना हो थोड़ी थोड़ी करके ही फ्राई करें,
एक साथ ना डालें, ज़्यादा घाई ना करें, आराम से फ्राई करना है इसको, तभी आपकी प्याज अच्छे से क्रिस्प और एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। इसको चलाते ही रहना है कंटिन्यू। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, इसको हम इसको चलाते ही रहे, इस तरह से ही चलाना है इसको, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। प्याज फ्राई करते समय गैस के पास ही खड़े होना होता है, बाकी कुछ काम करना नहीं, इसी के ऊपर फोकस रखना है, ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए, तो प्याज काली हो जाएगी। प्याज हमको ब्राउन चाहिए तो इसके लिए पूरे फोकस के साथ इसको फ्राई करेंगे। फुल फ्लेम पे हमने तेल को गरम किया था, मीडियम फ्लेम पे हमने प्याज को फ्राई किया है, अभी भी हमारा फ्लेम मीडियम ही है। देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अभी इसी समय हम इसको निकाल देंगे, ज़्यादा रखेंगे तो वो ब्लैक पड़ जाएगी। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये ब्राउन हो चुकी है। एक छन्नी ले लेना है, इसके अंदर डालेंगे, नीचे हमने प्लेट रख दी है, देखिए तो तेल पूरा उसके अंदर आ जाएगा नीचे। देखिए निकाल दिया हमने सब, अब इसी तरह से हम सब फ्राई कर लेंगे। लीजिए बनकर तैयार है प्याज फ्राई, जिस तरह से हमने बताया उस तरह से आप भी ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। देखिए कितनी क्रिस्पी और गोल्डन हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है, इसका बिल्कुल भी ब्लैक कलर नहीं हुआ है। तो इसको कोई भी एडे डब्बे में भर के रख दीजिए फ्रिज में, जब भी आपको कोरमा बनाना हो, बिरयानी बनाना हो, निकाल कर यूज़ कीजिए। तो हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए। हमारी रेसिपीज आपको पसंद आती है तो आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।